अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नायला राजा एंड दिस इज़ माय रूम। तो आज से मुझे कोर्स से छुट्टियां हो चुकी हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने रूम को थोड़ा टाइम दे दूं, क्योंकि रोज़ तो बस आती हूं और सोती हूं और रूम को मैं कोई खास टाइम नहीं दे पा रही, सफाई वगैरह बाकी सब कुछ, तो इसकी मेंटेनेंस और मैनेज इसको चल रहा होता है इसकी मैनेजमेंट। लेकिन अब मैंने सोचा कि रूम की थोड़ी सेटिंग चेंज करूँ और इसको थोड़ा इसकी लुक चेंज करूँ। तो आएँ, आज मैं अपने रूम को टाइम देती हूँ और इसकी लुक थोड़ी चेंज करती हूँ। एक तो एक कंपनी ने मुझे, फर्नीचर कंपनी है, उन्होंने मुझे एक बड़ा प्यारा सा क्या कहें, सोफ़ा सीट के या क्या कहें उसको, वो भेजी है, उसको मैंने सेट करना है। और एक बेडशीट की कंपनी है, उन्होंने मुझे बेडशीट भेजी हुई है, तो मैं सोची हूँ उसको सेट करूँ और देखूँ कि मतलब रूम में थोड़ी चेंजेस लाऊँ और रूम की थोड़ी लुक चेंज करूँ। तो चले आए मिलके मेरे साथ, मेरा रूम सेट होते हुए देखें। आप लोग तो देखेंगे और मैं करूँगी, और बल्कि मेरे साथ मेरा पार्टनर अदीला करेगा। तो अभी तो हम भी बेडशीट उतारने लगे हैं, और पहले तो मैं बेडशीट चेंज करूँगी, बाकी सेटिंग्स पे बाद में करती हूँ। ये मेरा बेड है और ये मैंने अपनी वॉल सेट करवाई थी कि मुझे लगा था मैं अपने शूज़ इधर करूँगी, लेकिन मैंने रूम में कोई खास शूज़ किए नहीं। और ये मैंने कर्टन्स का एक बैकड्रॉप बनाया था, अभी कर्टन्स को बंद किया हुआ क्योंकि नीचे ताकि इनको मिट्टी वगैरह लगे। तो मैंने प्रॉपर एक ये बैकड्रॉप बनवाया था शूज़ के लिए, लेकिन वो भी मैंने खास यूज़ नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैं दे रही हूँ। फिर मैंने कहा चलो इधर मैं कपड़े शपड़े चेंज कर सकती हूँ और मेरी कवर्ड नज़र नहीं आएगी, तो ये कर्टन से कवर हो जाएगी। तो चलिए आपको बाकी सारा बेडशीट चेंज करके पहले ये वाला काम कर लूँ, फिर बाकी दिखाती हूँ। अच्छा, तो ये बेड सेट है जो मुझे भेजा है द ट्रेंडी होम ने, और ये मैंने खुद कलर चूज़ किया था क्योंकि मेरे इंटीरियर के साथ जाता है सारे जितना भी रूम में है। तो इसके साथ मैं वाइट बेड सेट भी छाऊँगी, और ये क्वेट और टू इसमें हैं, वन बेड स्प्रेड एंड टू पिलो कवर्स। ये जो मेरे रूम का काउच है, ये बस नाम का ही काउच है, इसमें बस मेरे कपड़े पड़े रहते हैं या मेरे पैकेजेस पड़े रहते हैं। कपड़े तो है मैं फ़ौरन सेट कर लेती हूँ अपने कबर्ड्स में, लेकिन पैकेजेस और जो चीज़ें मेरी जो हैं, मतलब जो मैंने परचेज़ किए हुए जो बॉक्सेस हैं उसके, वो इन सबको भी सेट करना है, तो इसको भी सेट करती हूँ साथ साथ। अच्छा, तो पहले इसके साथ मैं वाइट कलर की बेडशीट भी छा रही हूँ, जो उसके साथ बेज के साथ वाइट ही कम्प्लीमेंट करेगा। अच्छा, ये वाइट प्लेन बेडशीट है जो एक सेट है मेरा अलग से इसमें, क्योंकि दो एक दो पिलो कवर्स हैं और बस एक क्विल कवर। तो और मैं ये साथ जो है, अच्छा तो जैसे कि मुझे आपको पता है कि बहुत शौक़ है कि मेरे पूरे रूम से और मुझसे बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही हो, तो ये जो बेडशीट है इसके ऊपर पहले मैं बॉडी एंड ब्लास्ट का रूम एंड पिलो मिस्ट स्प्रे करूँगी, पिलोज पर भी और इस पर भी, फ्रेश। और अब ये मैंने वाइट कलर की बेडशीट भी चाहिए और वाइट पिलोस, और ये जो होगा ये क्विल्ट के तौर पे यूज़ होगा। वैसे मैं तो बहुत मोटा क्विल्ट लेती हूँ समर्स में भी, मुझे एसी में बहुत ठंड लगती है। तो ये वो सीट है जो आई है, इसको भी मैं सेट करने लगी हूँ। इसका कलर इतना खतरनाक है ना, प्लेन वाइट है और कहीं से भी गंदा हो सकता है। सबको ये तो रख दो। हाँ, ये इसको क्या करने लगी हो? ये फेंकने लगी हूँ। नहीं, ये हाली बॉक्स है लेकिन बड़ा कीमती बॉक्स है। बॉक्स भी कीमती होते हैं क्योंकि इनमें कीमती चीज़ आई है, और कितना प्यारा डब्बा है, देखो इसको फेंकने का दिल नहीं करता ना, इसलिए तो इसलिए थोड़ा कीमती है, कीमती नहीं मतलब ये अच्छा है। थोड़ा सा मेरा रूम कम्प्लीट हो गया है और थोड़ा सा भी रहता है, क्या रह गया अब, इधर ये वाला चीज़ सेट करनी है और थोड़ा सा ये करना है। अदीला, तुमने काफ़ी मेरी हेल्प की है, तो तुम्हें मैं गिफ्ट दूँगी। नहीं, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, आप और आपकी दुआएं चाहिए। दुआ मैं तुम्हें बहुत देती हूँ, और अपना अब मैं तो हूँ ही तुम्हारी अदीला, बस तुम यही चाहिए। ओ अदीला देखें कितनी क्यूट है। अच्छा, अब इसका क्या करें, बस देखें कितनी ज़्यादा स्लाइड्स की कलेक्शन है जो मैं घर में पहनती हूँ। अभी एक मैंने गाड़ी में भी रखी हुई है कि घर में शूज़ के बाद मैं थक जाऊँ, तो एक ये है जो मैं अगर जल्दी से ये निकलना हो तो ये पहन लेती हूँ। रैफ लॉरेन की है ये, और ये लॉन के सूट के साथ भी चल जाती है। और ये थोड़ी मेरी, असल में मेरे पाँव का साइज़ बहुत छोटा है और बहुत स्लिम है, तो मुझे बड़े मुश्किल से अपने साइज़ की चप्पलें मिलती हैं। तो ये नॉर्थ फेस की है, ये बड़ी अच्छी है, ये मैंने अभी मंगवाई थी, बड़ी सॉफ्ट सी हैं ये भी। और ये जब मैं नहा के निकलूँ तो तब मैं पहनती हूँ। और ये मैंने एक दफ़ा ले ली थी बस, इस ब्रांड का नाम क्या, मोशिनो, और उसकी हैं ये। और ये मैं अक्सर अगर पैंट्स वगैरह पहनूँ तो उसके नीचे मैं ये पहनती हूँ। और ये भी ऐसी रफ हैं, और ये भी रफ हैं, ये मेरी बहन लेके आई थी, लेकिन अब देखें कितनी ज़्यादा मेरी
स्लाइड्स की कलेक्शन हो चुकी है। ये कट गीगर की है, ये भी बड़ी सॉफ्ट है, बहुत अच्छी है। और ये इसलिए कि अगर मैंने सॉक्स पहनी हो तो उसके साथ एक ओपन शूज़ घर में पहनने के लिए। और ये तो मैंने कैजुअल तो नहीं, वैसे ये मैं वैसे भी पहनती हूँ, बहुत सॉफ्ट सी हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये ईगो की है, ईगो ब्रांड है लंदन का उसकी। और ये बाथरूम की हैं जिनको पहन के मैं नहाती हूँ। अच्छा जी, और कीमती है, ये भी कीमती है, सारे कीमती है, संभालने कीमती बॉक्स लगे हुए इनको संभालना, इनको अंदर ताले में रखने में नहीं नहीं, इनको फिर मैं संभाल के कहीं रखती हूँ, कोई जगह बनानी पड़ेगी, लॉकर में रखनी। अच्छा जी, अब तो मेरी बस हो चुकी है सेटिंग के बाद से, और बस मेरा दिल कर रहा है मैं शॉवर ले लूँ, लेकिन उससे पहले आपको रूम दिखाती हूँ फाइनल लुक के, क्या किया है मैंने इसके साथ, अपने रूम के साथ, और सारी सेटिंग्स आपको दिखाती हूँ। अच्छा तो सेटिंग्स तो हो चुकी हैं, ये है एसी और ये है कर्टन्स, और ये वो सोफ़ा सीट है जिसकी वजह से मैंने सारी सेटिंग्स की हैं, जिसको मैंने अपने रूम में फ़िक्स करना था। और ये डी के फेयर ब्रांड ने मुझे भेजी है, इंस्टाग्राम में है ये कंपनी, और ये बड़े प्यारी सोफ़ा सीट है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। और ये टेबल है जो अंदर काफ़ी फिक्स हो सकता है, और आराम से आप इस पर बैठ के बुक्स रख सकते हैं, कॉफ़ी रख सकते हैं, चाय रख सकते हैं, मार्बल टेबल है ये। और ये प्लांट है, आर्टिफिशियल प्लांट है लेकिन बहुत प्यारा है, और उसके भी कोई पत्ते रह नहीं गए क्योंकि सारे मेरे छोटे जो भतीजे हैं माशाल्लाह से उन्होंने सारे पत्ते तो तोड़ दिए हैं, ये थोड़े बहुत रह गए इसके। और ये मेरा मिरर, और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल, और दीरा ये दे छोड़ गई है। अब इसको इतना मेकअप इस पर पड़ा हुआ है कि इतना मेकअप मैं करती ही नहीं हूँ, लेकिन ये वही बात है कि कुछ गिफ्ट्स हैं मेकअप के, परफ्यूम के, चीज़ों के, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने ऐसी ले ली हैं ट्राई करने के लिए, तो बहुत कुछ है या लूँगा फिर कभी दिखाऊंगी। और ये अंदर से तो भरा पड़ा है, इसको तो मैं खोल के कभी दिखा ही नहीं सकती, मैं एम्बेरस हो जाऊँगी। ये ले जाएं वो ना, ये परफ्यूम्स वगैरह मैं सब इसमें रखे हुए हैं। और ये मेरा काउच है एक अदद, और ये लैंप और कर्टन्स मैंने बंद अब खोल लिए जी जी। और ये बेड है मेरा जिसपे वो बेडशीट मैंने बिछा ली हुई है, बेड स्प्रेड था और दो पिलोज थे तो मैंने सेट कर दिए हैं। और इधर मेरे पैकेजेस पड़े हैं, उनको छुपाने की मैंने काफ़ी कोशिश की है। ये तो दिखाओ, हाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं, एक सेकेंड, कर्टन से गिर ना जाए, पीछे हटना, हाँ ये तो अच्छा लग रहा है। लैम्प है, ये भी बहुत प्यारा है, ये भी मुझे इसी कंपनी ने भेजा है, डी के फेयर ने, जिन्होंने ये सोफ़ा सीट भेजी है। अब पता नहीं इसका नाम यही है डी के फेयर या क्या है, इतने मुश्किल है तो कंपनीज अपने नाम रखती हैं, मेरे जैसा बंदा नहीं बोल सकता। तो ये मैं हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, फिर मैं नहाने जा रही हूँ। पानी पीना बहुत ज़रूरी है हाइड्रेशन के लिए, मैं बहुत कम पानी पीती हूँ, लेकिन मुझे लगता है सबको पानी ज़रूर पीना चाहिए। अब मैंने ज़्यादा पीना शुरू किया पानी, क्योंकि मेरे हाथ इतने रफ लगते थे, तो मुझे तो डॉक्टर्स ने भी स्पेशल कहा कि आप पानी ज़रूर पिया करें, क्योंकि आपके हाथों को देख के लगता नहीं है कि आपकी स्किन जो है बाकी और हाथ कैसे आपके, तो उन्होंने कहा बस ये आपकी इसलिए है क्योंकि आप पानी नहीं पीती, तो इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। फातेह साहब आए हैं, मेरी जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में। ये मक्खी कहाँ से घुस आई है मेरे गाने में, अब गाने में खो गए, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। फादर साहब आप गाने में खो गए, वो कह रहा है इसको खा जाऊं गाने को। अच्छा तो आज की वीडियो हम किसी अच्छे मैसेज पे खत्म करते हैं, और वो मैसेज ये है कि हम लड़कियों को किसी से डरना नहीं चाहिए, लिमिट्स का ख्याल रखना चाहिए, वैसे अपना भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन किसी से डरना नहीं चाहिए, किसी को अपने आप को ब्लैकमेल या एक्सप्लॉइट होने नहीं देना चाहिए। ज़्यादा लोगों को तो मैं नहीं समझा पाती हूँ, लेकिन अपनी छोटी बहनों को और मेरे घर में जितना भी फीमेल स्टाफ होता है उनको मैं हमेशा समझाती हूँ, और वो हमेशा सीखती हैं, और उनके लिए हमेशा बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे मेरी एक लड़की थी मेरे पास होती थी, तो उसने घर जाना था और उसके पास फ़ोन नहीं था,
तो तब उसके पास फ़ोन भी नहीं था और सारे रास्ते बंद थे, तो उसको फिर पहली दफ़ा उसने हमने सोचा कि उसको ट्रेन के थ्रू भिजवा देते हैं, कि उसका घर जाना बहुत ज़रूरी था, उसकी अम्मी की तबीयत ख़राब थी। तो उसको वो पहली दफ़ा ट्रेन से सफ़र कर रही थी और बड़ी अक्सर बड़ी डरी हुई थी, कि उसके पास ना फ़ोन था और पहली दफ़ा ट्रेन पर जा रही है। मैंने उसे कहा कि तुम्हें बस डरना नहीं है, और अगर किसी ने कुछ भी कहा तो तुमने मेरा बताना है और कहना है कि मतलब बस डरना नहीं, मैं देख लूँगी। और उसने ऐसे ही किया। जब वो घर पहुंची उसने मुझे बताया कि हालांकि अपने मैंने उसको टिकट लेके दिया सब कुछ, उसको उसकी सीट पर बिठा के आई, तो जब वो घर पहुंची उसने मुझे कहा कि मेरे पास हम बार बार आके लोग मुझे तंग करेंगे, ये सीट तो हमारी है, उठो यहाँ से, ये हमारे पास इसका टिकट है। तो उसने कहा कि मैंने उनको आगे से कहा क्या मतलब है, ये उसके थे मैंने सबके साथ लड़ाई की पूरी, मैंने आगे से कहा ये टिकट मेरा है और ये मेरी सीट है, और मुझे वो आगे से कहे हम तुम्हें अभी उठवाते हैं, तो कहते मैंने कहा मुझे उठा के तो दिखाओ, ये मेरी सीट है, मेरी सीट से कोई भी नहीं मुझे उठा सकता, और मैं लॉयर के ऑफिस में होती हूँ, और अगर किसी ने बदतमीजी की तो मैं अभी उनको बता दूंगी और वो भी आ जाएंगी जो मेरी मैडम है वकील। तो कहती जिनको मैं ये बोलती थी फिर कोई आता ही नहीं था, तो इसलिए किसी को भी अपने आपको तंग नहीं करने देना चाहिए। और ऐसी एक और मेरी घर में लड़की होती थी, उसे भी मुझे बता, उसको भी जब मैंने समझाया तो वो एक दफ़ा अपने घर गई, तो अपनी बहन जिधर काम करती थी उधर गई, तो उसने मुझे बताया कि उधर से किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की और उसका हाथ पकड़ लिया जिधर वो काम करती थी उनका। तो उस लड़की ने मुझे कहा कि जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो उसने कहा कि मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं ये लैंप उठा के तुम्हें मारूंगी। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि आगे से वो तो उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए मैं शोर डालूंगी या कुछ, क्योंकि आप किसी पर डिपेंडेंट क्यों हो, आपके पास भी इतनी ताकत है, उस ताकत को इस्तेमाल करें, डरना नहीं चाहिए और किसी को अपने आप को डराना या आपका सुकून खराब होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए भी अपना सुकून बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के सुकून को प्रायोरिटी रखनी चाहिए। मुझसे अगर कोई पूछे कि आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है या पावर या सुकून, तो मैं सुकून को चूज़ करूँगी, तो सुकून बड़ा ज़रूरी है। तो किसी को अपना कंफर्ट सुकून को ख़राब ना होने दें, अपनी स्पेस में ना आने दें, और अगर कोई आपको तंग करता है तो ये नहीं कहना कि मैं शोर डालूंगी या मैं ये करूँगी, आप खुद हैंडल करें और उस चीज़ को कंट्रोल करें, और आप कर सकते हैं, इसलिए किसी से डरना मत। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मैं क्या करूँगी सोचती हूँ, मुझे बल्कि आप लोगों ने काफ़ी आइडियाज़ दिए हैं, मज़ीद आइडियाज़ दें जो मैं कर सकूँ, तो मुझे बताइएगा, और फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।